हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ यूथ ग्लो फेशियल कैप्सूल का। तो ये कैप्सूल की काफ़ी सारी आपने वीडियो देखी होगी, इसको लगाने से आपकी स्किन वाइटन हो जाती है, ब्राइटन दिखने लग जाती है और ग्लोइंग दिखने लग जाती है। क्या इसको एक्चुअल में यूज़ करने से आपकी स्किन ब्राइटन हो जाएगी या एक ये स्कैम चल रहा है या दिखावा चल रहा है, क्या इससे आपकी स्किन पर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे या नहीं देखने को मिलेंगे, आज की वीडियो में कम्प्लीटली ये आपको क्लियर कर दूंगा। और ये कितना सेफ रहने वाला है आप लोगों के लिए, ये चीज़ भी कम्प्लीटली क्लियर करूंगा। बहुत सी वीडियोज़ देख ली आपने, तो अब मेरी वीडियो से आपको बिल्कुल सही नॉलेज मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले यूथ ग्लो फेशियल कैप्सूल की अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको कहीं पे 250 रुपये देखने को मिल जाएगा, कहीं पे 350 रुपये यानी 350 रुपीज़, या हो सकता है आपको 400 रुपीज़ या 450 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। कोई भी एक फिक्स प्राइस यहाँ पे बताया नहीं गया, कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक प्राइस हो, सब जगह पे आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अमेज़ॉन पे आपको 2 प्राइस में देखने को मिल जाता है, मीशो पे अलग प्राइस देखने को मिल जाता है, एक साइट पे आपको अलग प्राइस देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ है इसके साथ में। और कैप्सूल की बात करें तो इसके अंदर आपको 20 कैप्सूल्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको क्या इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाते हैं और क्या इसके बेनिफिट्स रहेंगे जो कि इन्होंने क्लेम किया, ठीक है। वो चीज सबसे पहले अपन क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इन्होंने बोला कि इसके अंदर आपको एलोवेरा देखने को मिल जाता है और विटामिन ई ऑयल देखने को मिल जाता है। ये दो चीजें इन्होंने बताई है यहां पे आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि एनिमेट एलोवेरा फेशियल ऑयल आपको देखने को मिल जाता है और विटामिन ई ऑयल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये चीजें इन्होंने मेंशन की है और इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने अलग से और मेंशन नहीं किए गए, सिर्फ ये दो इंग्रेडिएंट्स मुझे अमेज़ॉन पर देखने को मिले। इनकी पैकेजिंग पे भी ये चीज स्पेशली ज्यादा तरीके से मेंशन वगैरह नहीं है कि इसके ऊपर क्या दिया गया, इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो एक चीज मैंने आपको ये बता दी। अब क्या ये क्लेम करते हैं कि क्या चीजें इससे सही हो जाएगी, मेन तो उस पर बात कर लेते हैं। आपको ऊपर के नेम से ही पता लग रहा है कि यूथ ग्लो आपको फेशियल जैसा ग्लो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे कि ए स्पॉट्स वगैरह को ट्रीट करेगी, आपके डार्क स्पॉट्स फाइन लाइंस होगी। और इन्होंने बताया कहीं पे तो मेंशन है कि ये सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए है और नॉर्मल स्किन वालों के लिए, ठीक है। ऑयली स्किन वालों का यहाँ पे स्पेशल मेंशन नहीं किया गया, बट कहीं पे अगर आप इसकी फोटोज़ देखोगे, जैसा कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन है कि सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप, यानी कि ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन है, चाहे ड्राई स्किन है, चाहे नॉर्मल स्किन है, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड रिच्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाले गए हैं जो कि आपकी स्किन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम सही करते हैं। ये चीज़ उन्होंने मेंशन किया। डार्क सर्कल्स को ट्रीट करेगा ये बताया इन्होंने, ठीक है। बूस्ट करेगा स्किन के ग्लो को, कोलेजन को बूस्ट करने का एक तरह से काम करता है, ये चीज़ इन्होंने बताई है। रिपेयर्स करता है, ब्रेकआउट्स होने से बचाता है, ठीक है। उन ब्रेकआउट्स को रिपेयर करने का काम करता है, रिंकल्स को सही करता है, स्टिमुलेट करता है कोलेजन प्रोडक्शन को, रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स को और क्लियर कॉम्प्लेक्शन देता है आपकी स्किन पे और ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन देगा, ठीक है। तो ये काम इन्होंने इसका बताया कि कम्प्लीटली आपको देखने को मिल जाता है। बट ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट दिया गया कि जो इतने अच्छे से वर्क कर देगा, आपके ए स्पॉट्स वगैरह, रिंकल्स, एजिंग वगैरह सब कुछ मिटा देगा। हाँ, ये चीज़ बोली जा सकती है एलोवेरा और विटामिन ई से आपको एक ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है कुछ टाइम के लिए, और अच्छे से दिया गया तो आपको अच्छा बेनिफिट्स भी उसके साथ में देखने को मिल सकता है। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके पोर्स भी क्लोग्ड हो सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर विटामिन ई ऑयल दिया गया और एलोवेरा दिया गया, तो ये क्या काम करता है, ग्लोइंग का काम कर सकता है आपकी स्किन पे, आपकी स्किन को ब्राइटन दिखाना, थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। डार्क स्पॉट्स में थोड़े बहुत आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपका फेस भरा हुआ है बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स से तो वहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। यह आपकी स्किन पर एक वाइट कास्ट छोड़ देती है, उसके कारण आपको लगता है आपकी स्किन क्लियर दिख रही है। जैसे आपने वीडियोज वगैरह देखी होंगी काफी सारी, उसमें आपको यही चीज देखने को मिली है। जैसे कि वो सबसे पहले कैप्सूल वगैरह को या तो नोज पर लगाकर या फेस पर लगाकर दिखाते हैं, तो आपको एक ग्लो लुक वगैरह ये सब चीजें देखने को मिलती है। ये चीजें आप कोई अदर से क्रीम्स भी यूज करते हो उसके साथ भी एक मिनट के लिए इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप चाहे मुल्तानी मिट्टी लगाते हो, उसको उतारने के बाद भी आपको एक बार लगता है आपकी स्किन साफ हो गई, बट कुछ टाइम के बाद आपको लगता है वापस ही मेरी स्किन डार्क दिख रही है, वो चीजें आपको देखने को मिल जाती है। या ऐसी बहुत सी क्रीम्स यूज करते हो जिसको पहले यूज करने से तो आपको ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिलता है, बट जिस दिन उसको ना लगाओ तो आपको बहुत बेकार सा लगता है, आपकी स्किन बहुत बेकार सी लगती है और पहले से भी डल हो जाती है। तो ये सब चीजें इसके बैक में इंग्रेडिएंट्स ऐसे तो मेंशन नहीं करते, बट पीछे कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं जिससे एक बार तो लोग इसको परचेज कर लेंगे, काफी ज्यादा हाइप आ जाएगी, बट बाद में जाकर उनको साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं या रिजल्ट्स परमानेंट देखने को नहीं मिलते। अब आप इसको जब तक लगाओगे तब तक एक वाइट कास्ट रहेगा आपकी स्किन पर और ग्लोइंग इफेक्ट आएगा, तो ये चीज रहती है। अब इतना आपको चाहिए तो उसके लिए आप लोग इसको ले सकते हो, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए। मेल्स वगैरह इसको यूज मत करें, आप फालतू के चक्कर में यूज मेल्स वगैरह मत करने लग जाए करो, फीमेल्स को करना है ठीक
ठीक है उनको रहता है, मेकअप वगैरह करती हैं या थोड़ा गोरा वगैरह दिखे हम, तो उस चक्कर में यूज़ कर लेती हैं, तो वो इसको ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी ऐसी चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करता, ना मैं पर्सनली यूज़ करता, ना मैं यूज़ करके दिखाता इसीलिए, बिकॉज मुझे पता है कि ये चीज़ें बस एक बार हाइप बनाने के लिए रहती है, बाद में इनके साइड इफेक्ट्स आपको देखने मिल जाते हैं या रिजल्ट्स अच्छे से देखने को नहीं मिलते। हाँ, बस आपको एक दिखाना है किसी को कि मेरी स्किन गोरी लग रही है, ग्लोइंग लग रही है, तो आप इसको एक बार यूज़ करके दिखा सकते हो, कहीं भी पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ पर यूज़ करके जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपको इस कैप्सूल को लगाना कैसे अपने फेस पर। देखो, अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप सबसे पहले अपने फेस को वॉश करोगे, नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना। अब अगर आपकी स्किन डर्ट डस्ट में या पोल्यूशन से आए हो तो एक बार वॉश करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वॉश करने की नीड नहीं है। अगर आपने दिन में वॉश कर लिया था फेस को और अब आप 2 घंटे बाद यूज़ करना चाहते हो, सीधा भी कर सकते हो। इस वजह से आपने सबसे पहले वॉश कर लिया अपने फेस को नॉर्मल पानी से, देन ड्राई कर लिया अच्छे से टॉवल से, देन उसके बाद आपको इसको लेना है कैप्सूल को। हैंड्स वगैरह भी क्लीन रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना। कैप्सूल को लेना है, इसको कट कर सकते हो या पंचर कर सकते हो किसी चीज़ से। पंचर करने के बाद आप इसको अपने फेस पे पूरा लगाना चाहो लगा सकते हो, देन इसको कुछ देर आपको मसाज करनी है प्रॉपरली अच्छे से, ठीक है। मसाज करके आपको इसको फैला के छोड़ देना है, या तो मसाज कर सकते हो या एक लेयर बनाकर भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। लगाकर इसको छोड़ देना कुछ देर के लिए, 15 मिनट के लिए इन्होंने बोला कि आपको इसको लगाकर छोड़ना है, देन उसके बाद आप हल्के से गर्म पानी से इसको वॉश कर सकते हो, ये चीज़ इन्होंने बताई है। ये कोई ऑयली ग्रीसी फील नहीं करवाएगा आपको, बिल्कुल लाइट वेट रहने वाला है, तो इसलिए अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं आपको ओरिजिनल मतलब मेंशन कर दूंगा, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना चाहो कर भी सकते हो, एफिलिएट लिंक रहेगा वो, तो आप वहाँ पे देखना चाहो तो देख सकते हो जो ओरिजिनल रहता है। बाकी यूज़ करके देखना है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी, टेम्परेरी सॉल्यूशन है ये, ऐसा नहीं कि आपकी स्किन, जैसे मेरी स्किन यहाँ पे देख रहे हो कि चमक रही है या वाइट एंड टोन आ रखा है, तो ये केयर के साथ आया, डे बाय डे हुई है, ऐसा नहीं कि आज मैंने कोई चीज़ लगा ली आज के आज ये स्किन ऐसी हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपने इस वजह से इसको यूज़ करना है। आपको मैंने कंप्लीटली बता दिया कि कैसे इसको यूज़ किया जाएगा पंचर करके। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। देखो, साइड इफेक्ट्स होने को हो सकते हैं, जैसे ऑयली स्किन है तो पोर्स क्लॉग्ड होंगे, तो एक्ने वगैरह, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। बट अगर पोर्स क्लोज नहीं होते तो ठीक रहेगा, ठीक है, आपको कुछ टेम्परेरी वो चीज़ रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे कि हाँ एक ग्लोइंग लग रही है एक बार के लिए, बट ऐसा नहीं कि ये परमानेंट आपकी स्किन को ग्लो कर देगा। अब जैसा कि आपने इसको यूज़ किया, काफ़ी बार यूज़ किया, तो इससे आपको हो सकता है कि इसकी हैबिट पड़ जाएगी, आपको इसके बिना आपकी स्किन अच्छी ना लगे, तो उसके कारण आपकी स्किन बाद में डल होना या ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट्स कहीं भी डायरेक्ट मेंशन नहीं किए गए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।